कि हम तो यही करेंगे, अगर आप लोगों से कुछ हो सकता हो तो रोक लें। प्रभु की कृपा थी कि सभी कांवड़ियों को समझा के यहाँ से भेजा गया है। सोशल मीडिया पर हम कांवड़ियों के वायरल वीडियोस आए दिन देख रहे हैं, जिसमें उत्पात मचाते हुए कांवड़िए नजर आते हैं। और इसके पीछे का कारण होता है कि या तो कांवड़ियों को साइड लग जाती है, टक्कर लग जाती है, या फिर आरोप होता है कि कांवड़ जो है वो साफ तौर पर खंडित कर दी गई है, इसलिए ये पूरा उत्पात मचाया जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मदरसे के ऊपर हमले का आरोप कांवड़ियों पर लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां कहा जा रहा है कि कांवड़ियों ने अब मदरसे पर हमला बोल दिया है, पथराव किया है, गेट पर मदरसे के गेट पर डंडे बरसाए हैं और जबरदस्ती मदरसे के अंदर घुसने की कोशिश की गई है। इस पूरे वीडियो में, इस पूरे तथ्य में, इस पूरे स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, आज ये जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस कांवड़ियों के आए दिन वायरल होते हैं और अब हापुड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी का हापुड़, यूपी के हापुड़ का ये वीडियो है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये जो बड़ा सा गेट आपको नजर आ रहा है, ये मदरसे का गेट है और इस गेट के सामने आप देख रहे होंगे जय श्री राम का झंडा लिए हुए जो एक शख्स नज़र आ रहा है और तमाम और लोग नज़र आ रहे हैं जो कि मदरसे के ऊपर हमला बोलते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि ये साफ तौर पर, मैं आपको तमाम ट्वीट भी दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, आप ये दो ट्वीट देख रहे होंगे और ऐसे ना जाने कितने ट्वीट हैं जो किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन कांवड़ियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए कि ये मदरसे के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है और मामला क्या है, पुलिस ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनवाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हापुड़ के इस वीडियो में जो कांवड़िए मदरसे के गेट पर नजर आ रहे हैं, ये कांवड़ियों का आरोप जो है वो साफ तौर पर ये है कि कांवड़ियों का कहना है कि मदरसे की तरफ से जब कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी तो उस दौरान मदरसे के ऊपर खड़े हुए शख्सों ने कांवड़ के ऊपर थूका है, जिसके बाद तमाम कांवड़िए जो हैं वो गुस्से में नजर आए, आक्रोशित नजर आए और उन्होंने मदरसे के सामने, मदरसे के गेट के सामने जाकर जयकारे लगाने शुरू कर दिए और ये गुस्सा जायज भी था। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंचता है, पुलिस बचाव करने की कोशिश करती है। मदरसे के जितने भी वहां पर अंदर जितने लोग थे, उन्होंने कांवड़ियों को और तमाम लोगों को आता हुआ देख मदरसे का गेट लगा लिया। ऐसे में ये एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है, जहां कहा जा रहा है कि कांवड़ियों ने मदरसे के पीछे वाले गेट पर जाकर पथराव किया, जो कि मदरसे के अंदर पत्थर फेंके गए हैं। ये वीडियो भी आप देख रहे होंगे। ये तमाम आरोप कांवड़ियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। उधर कांवड़ियों का कहना है कि उनके ऊपर जब यात्रा निकल रही थी, कांवड़ यात्रा, तो उस दौरान मदरसे के ऊपर से थूका गया है कांवड़ के ऊपर, यात्रा के ऊपर, जिसके बाद तमाम कांवड़ियों में ये गुस्सा नजर आया है, जो इस कदर नजर आया कि वो मदरसे के सामने पहुंच गए और वहां जाकर हंगामा किया। ऐसे में पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है, चलिए पहले ये वीडियो देखिए। देखिए, ये तकासराय में से होकर के एक कांवड़ जा रही थी, कुछ लोग इसमें थे, कुछ लोकल्स थे, कुछ बाहर के भी थे। उनका कहना है कि यहाँ पे स्थानीय जो बड़ा मदरसा उस वहाँ उसके पास से किसी व्यक्ति ने कांवड़ का अपमान किया है, उसको उस पर थूका है। तुरंत ही पुलिस इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पहुँच गई, लोगों को समझा बुझा करके उनको बताया कि जिसने भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई ऐसी करी है कि जिससे आस्था के ऊपर चोट लगती है, तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कुछ वीडियो है हमारे पास में, उन वीडियो का सहारा लेकर के, और जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार का दुष्कृत किया है उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा इस वीडियो में, साफ तौर पर पुलिस ने कहा है कि उनके सामने ये पूरा मामला आया है, जहां कहा जा रहा है कि यह मामला हापुड़ का है, यूपी के हापुड़ का मामला है, जहां पर पुलिस का कहना है कि कांवड़ियों का आरोप है कि मदरसे के ऊपर से लोगों ने कांवड़ यात्रा पर थूका है, कांवड़ों पर थूका है, जिसके बाद यह हंगामा किया गया है। और पुलिस ने यह भी कहा है कि उनके पास कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं जिनके साफ तौर पर जाँच के बाद पूरी कार्रवाई बैठाई जाएगी और देखा जाएगा कि अगर जो भी पक्ष आरोपी निकलता है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। ये पूरा मामला है। ऐसे में मैं आपको एक और इसी मामले में जो एक ट्विस्ट सामने आया वो ये है
कि आप इस वीडियो में ये तो देख पा रहे होंगे कि एक शख्स जो कि हाथ में झंडा लिए मदरसे के गेट के सामने गाली गलौज करता हुआ नजर आ रहा है। इस शख्स की तस्वीर को जरा आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये आप ट्वीट देख रहे होंगे, इस ट्वीट में ये अमजाद अली नाम के शख्स ने ट्वीट किया है, जिसने इस शख्स की फोटो शेयर की है अपने ट्वीट में, और उन्होंने बोला है कि ये जो शख्स है ये यूपी पुलिस का सिपाही है जो कांवड़ियों के भेष में आकर मदरसे के सामने हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये दो फोटो पुलिस वाले की यूनिफॉर्म में आप इस शख्स का फोटो देख सकते हैं, और वो सेम तस्वीर जो आपको उस वीडियो में नजर आ रही है जहां मदरसे के सामने जो शख्स हंगामा कर रहा है। तो ऐसे में ये भी मांग की जा रही है कि इस शख्स को बर्खास्त किया जाना चाहिए, पुलिस वाला होकर इस तरीके की हरकतें कर रहा है, ये यूपी पुलिस का एक सिपाही है। ऐसे में यूपी के हापुड़ का ये पूरा मामला, जहां कावड़ यात्रा के ऊपर थूकने का आरोप मदरसे के अंदर जो लोग थे उनके ऊपर लग रहा है, इधर मदरसे के जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कावड़िए ने आक्रोश जो है उनका, साफ तौर पर उनका गुस्सा देखा जा रहा है कि किस तरीके से वो मदरसे में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, तोड़फोड़ कर साफ तौर पर की गई है, मदरसे के ऊपर पथराव किया गया है, ये मदरसे के अंदर जो लोग थे उनका ये आरोप है। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि कांवड़ियों के जो वीडियोस वायरल होते हैं, उन वीडियोस में हम अक्सर देखते हैं कि कांवड़ियों में गुस्सा होता है, वो गुस्सा हापुड़ में भी देखने को मिला। ऐसे में आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, मदरसे के ऊपर कांवड़ियों का हमला और कांवड़ियों का आरोप कि उनकी कांवड़ यात्रा पर थूका गया, इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहें इनका, धन्यवाद।